नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। राहुल गांधी नामांकन को तैयार, अमेठी में फिर महाजंग के आसार, अब 2 मई का इंतजार। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं। शीर्ष नेतृत्व से संकेत मिलने के बाद स्थानीय कांग्रेस कमेटी सक्रिय हो गई है। कांग्रेस कार्यालय पर वरिष्ठ नेताओं की लगातार बैठकें हो रही हैं। बताया जा रहा है कि शुक्रवार या शनिवार को राहुल गांधी की अमेठी आ जाएगी। अमेठी में शुक्रवार से नामांकन शुरू हो जाएगा, लेकिन भाजपा के अलावा किसी भी पार्टी ने अभी तक अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। सबसे ज्यादा संशय कांग्रेस पार्टी ने बना रखा है, हालांकि गुरुवार को काफी हद तक इससे पर्दा उठता नजर आया। कांग्रेस से जुड़े सूत्र बता रहे हैं कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ने आ रहे हैं। शीर्ष स्तर से इस संबंध में स्पष्ट संकेत मिलने के साथ ही कांग्रेस कार्यालय पर वरिष्ठ नेताओं की बैठकें शुरू हो गई हैं। बुधवार को प्रदेश महासचिव योगेंद्र मिश्र और जिला अध्यक्ष प्रदीप सिंघल ने बंद कमरे में लंबी बैठक की। गुरुवार को भी कई बड़े नेताओं की बैठकों का सिलसिला जारी रहा। अभी बताया जा रहा है कि राहुल 2 मई को नामांकन दाखिल करेंगे। उनका चुनाव प्रबंधन देखने के लिए शनिवार या रविवार देखने के लिए दिल्ली से कई प्रमुख लोग अमेठी पहुंच रहे हैं। अयोध्या भी जा सकते हैं राहुल। पार्टी से जुड़े सूत्र ये भी बता रहे हैं कि राहुल गांधी अमेठी आने से पूर्व अयोध्या दर्शन के लिए भी जा सकते हैं। दरअसल अमेठी में जब भारत जोड़ो यात्रा आई हुई थी, तब राहुल गांधी के अयोध्या जाने का कार्यक्रम बनाया गया था, लेकिन बाद में उसे निरस्त करना पड़ा था। जारी हैं तैयारियां। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव योगेंद्र मिश्र ने बताया कि नामांकन प्रक्रिया 26 अप्रैल से शुरू है। ऐसे में पार्टी अपने स्तर से पूरी तैयारी कर रही है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।